नमस्कार, गुड डे। मैं डॉक्टर मनदीप सिंह ढिल्लों, पीजीआई में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज मैं कुछ आपको आपके घुटनों के बीमारियों के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और हम डॉक्टर और मरीज़ इसके बारे में क्या कुछ कर सकते हैं। हमारा जो घुटना है वो हमारे पास वेट बेरिंग, चलने में, दौड़ने में, बैठने में बहुत काम की चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं, जैसे हम उम्र के साथ इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर जो कार्टिलेज की कवरिंग है वो घिसने लग जाती है। किसी बंदों में थोड़ा जल्दी हो जाता है, जैसे आपको जीन्स में है, आपके पेरेंट्स को घुटने की बीमारी है या आपके जीन्स में कोई प्रॉब्लम है, सो आपका कार्टिलेज जो घुटने का वो जल्दी घिसने लग जाएगा। कुछ लोगों में ये और कारण के थोड़ा सा जल्दी घिसने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई घुटने में चोट लग जाए, आपका कोई फ्रैक्चर हो जाए, जहाँ आपकी कोई हड्डी टेढ़ी हो जाए, अलाइनमेंट ख़राब हो जाए, उसके कारण आपका घुटना एक तरफ से ज़्यादा घिसने लग जाता है। और प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं भी, जैसे आप ओवरवेट हो, मोटापा है, घुटना वो वज़न आपका टॉलरेट नहीं करेगा और उतने प्रेशर के कारण ये ज़्यादा जल्दी घिसने लग जाएगा। सो कई कारण होते हैं जिसके साथ आपके घुटने जल्दी घिसने लग जाते हैं। कुछ घुटने का घिसना तो इनएविटेबल है, जैसे हमारे बाल सबके सफ़ेद होने, हमारे स्किन्स के ऊपर रिंकल्स आने, पर वो तो नॉर्मल है। हम अगर इसको ज़्यादा करने दें, ज़्यादा ख़राब होने दें, फिर ये बीमारी बन जाता है। सो इसके बारे में कुछ सिंपल चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, 40 साल की उम्र पर हमारे थोड़ा मोटा घुटने में 19-20 का दर्द होने लग जाता है, उसके बारे में हमारे को डरना नहीं चाहिए। वो एक बॉडी का सिग्नल है कि अब हम घुटने का ख्याल रखें। अगर हम आप पहले एक्सरसाइज नहीं करते, वो एक्सरसाइज शुरू कर लें। अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो हम वेट को कम कर लें। अगर हमारी कुछ हैबिट्स ख़राब हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में हमारे को नीचे बैठना हमारे कल्चर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जब हम नीचे बैठते हैं तो हम अपना घुटने को बहुत ज़्यादा मोड़ लेते हैं, तो घुटने के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। सो अगर घुटने में उम्र के कारण, चोट के कारण, थोड़ी बीमारी के कारण कुछ घिसापन या कुछ और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो दर्द करने लग जाते हैं। सो एक चीज़ आपको ख्याल रखना पड़ता है, भी आप इन एडिशन टू अदर प्रिकॉशंस, आप नीचे बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, चौकड़ी मार के बैठना, इसको कम कर दो, क्योंकि ये घुटने के प्रेशर को बढ़ाता है, उसके साथ पेन होती है और उसके साथ थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होने के कारण ये घुटना और घिसने लग जाता है। सो ये तो रहे चीज़ें जो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं। घुटने के अंदर आर्थराइटिस जो है वो चीज़ क्या है? देखिए, बेसिकली आर्थराइटिस तो कई तरीके के आर्थराइटिस होते हैं, पर सबसे कॉमन जो आम आदमी को तंग करता है वो उसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। एक घुटने में ज़रूरी नहीं है एक ही में होगा, यूजुअली वो दोनों में होता है, एक में थोड़ा ज़्यादा, एक में थोड़ा कम। एक में थोड़ा तकलीफ पहले होती है, दूसरे में थोड़ी बाद होती है, पर अल्टीमेटली तो ये खराबी बराबर की हो जाती है। सो नी ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है? शुरू में आपको घुटने को चलाने के लिए अंदर जो ग्रीस है वो शुरू में थोड़ी कम होने लग जाती है, और उसके साथ ये आपकी जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाती है। सेकेंडली, इसके घुटने के ऊपर जो कार्टिलेज है, कवरिंग, वो स्पंज की तरह होती है, और जैसे जैसे वो स्पंज में पानी कम होने लग जाता है, ये इसमें क्रैक आने लग जाते हैं, ये घिसने लग जाती है। जब ये घिसने लगता है तो इसका कचरा अपने घुटने के अंदर घूमने लग जाता है, तो पैर के घुटने के अंदर थोड़ी सोजिश आ जाती है, और वो सोजिश के साथ अपनी पेन भी होने लगती है। इसके अलावा अगर आपकी पैर टेढ़ा हो तो एक घुटने के एक साइड पर प्रेशर ज़्यादा हो, जैसे आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट ख़राब हो, टायर एक तरफ से घिसता है, वैसे घुटने की एक साइड से प्रेशर होने की तरफ वो साइड ज़्यादा घिस जाएगी, दूसरी ठीक रह जाएगी। मोटापा हो सो घुटने के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, सो उतना ही जल्दी घिसता है। सो अगर आप ये चीज़ों को ख्याल रखें,
तो जो 35-40 साल की उम्र पे आपके नी के अंदर पेन होने लगती है उसको आप बड़े इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को? सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर को मिलिए, अगर आपको पेन 10-15-20 दिन से ज़्यादा हो रही है आप मिलिए। उनको मिलने के साथ आपको जानकारी मिलेगी भी आपके घुटने के अंदर प्रॉब्लम क्या है। अगर तो सिंपल कोई छोटी मोटी चोट है वो तो सेटल हो जाएगी, बाद में चली जाएगी, पर अगर आपके घुटने में पेन थोड़ी देर ज़्यादा रहती है, साथ में सोजिश है, रात को भी पेन होती है, फिर आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना है, शुरू हो चुका है। फिर इसमें इस टाइम पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है अपनी बीमारी को रोकने का सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर जो होगा वो आपको गाइड करेगा, आपको सलाह देगा, पर करना तो इसको आपने खुद है। इस टाइम पे हम कोशिश करते हैं भी दवा ना दें, आप अपने प्रॉब्लम को समझ जाएं, आप इसके लिए एक्सरसाइज शुरू कर दें, आप अपना वेट को कम करने की कोशिश करें, आप अगर कोई थोड़ा मोटा टेढ़ापंती है या कोई इंस्टेबिलिटी है उसको रेक्टिफाई कर लें। कभी कभी इस स्टेज पे हमको कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करना पड़ता है दूरबीन वगैरह के साथ, वो तब करते हैं कोई आपकी पुरानी चोट है, कोई लूज पीस है, सो उसको हम बहुत माइनर ऑपरेशन से ठीक कर देते हैं, सो दैट आपका घुटने का आर्थराइटिस ज़्यादा ना बढ़े। तो इस करके ये अर्ली स्टेज में अगर आप अपना प्रॉब्लम समझ लो और आप डॉक्टर के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, अपने मेडिकल काउंसलर के साथ इक्वल हाथ बटाओ तो आपका प्रॉब्लम इतना नहीं बढ़ेगा। अगर ये बढ़ता रहा जहाँ आप लेट स्टेज पे आओगे तो इसी घुटने का हमारे को ऑपरेशन करना पड़ता है। नाउ वो ऑपरेशन में हम आपका जोड़ बदल देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आपका ये मेटल का और प्लास्टिक का नया जोड़ लग जाता है एंड के ऊपर, पर ये तब आना चाहिए जब आपके बाकी के सब चीज़ फेल हो चुकी है और आप इतने लाचार हो चुके हैं, दर्द इतना हो चुका है कि आपका घुटना हिलने से चलने से बिल्कुल रह गया। सो उस टाइम हम बोलते हैं अभी आप इसके अंदर ऑपरेशन करवा लीजिए, और वो भी ऑपरेशन अगर जल्दी करा लो तो ये कुछ साल ही चलता है, 15 साल 20 साल, कभी कभी कम। सो इस करके आपका ये ऑपरेशन आइडियली 65 या ज़्यादा उम्र में होना चाहिए। सो बाकी जो रह गए 40 साल से 60 साल तक, उनका क्या होगा? उनके लिए मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, अपने घुटने को अपने हाथ में ले लो और उसको आप एक्सरसाइज से, आप समझदारी से, आप प्रिकॉशन से, आप वेट लॉस से इसको आप कंट्रोल में रख सकते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास और भी तरीके, कुछ मेथड्स हैं जिससे आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रीस बहुत कम हो गई तो आपके अंदर ग्रीस का इंजेक्शन लग सकता है, पर उससे आपका बाकी का काम, एक्सरसाइज, वेट लॉस वगैरह, वो ख़त्म नहीं होगा, वो तो ज़रूरी करना है। फिर आजकल नए इंजेक्शन हैं, आप ही के ब्लड में से कुछ ग्रोथ मटीरियल लेके कॉन्सनट्रेट करके आपके घुटने में लग जाता है, उसको PRP बोलते हैं या स्टेम सेल बोलते हैं, उससे भी कुछ हीलिंग अंदर घुटने में ज़्यादा हो जाती है। पर अगेन ये ना सोचिए भी ये चीज़ें करके, इंजेक्शन करके, छोटा ऑपरेशन करके, आप जो आपका घुटने का खुद ख्याल रखने वाली बात है उसको छोड़ देंगे। सो सबको ये समझना चाहिए भी ये अपनी ही चीज़ है, इसको अगर आप प्यार से रखेंगे, मेहनत से बचा के रखेंगे, चोट से बचाएंगे और वजन को कम करेंगे, और जो बताई गई एक्सरसाइज उसको टाइम से दिन में 2-3 बार करेंगे, आपके घुटने बहुत देर तक बहुत अच्छी तरह चल सकते। भाइयों और बहनों, आपको मैंने घुटने की आर्थराइटिस के बारे में कुछ जानकारी दी। अब आपकी सुविधा के लिए, आपके फ़ायदे के लिए हमारे PGI के कुछ फिजियोथेरेपिस्ट और कुछ PhD के डॉक्टर आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे, आपको समझदारी की बातें बताएंगे, आपको आपकी बीमारी का ज्ञान देंगे, और हमारी उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ के, इसको अच्छी तरह फॉलोअप करके अपनी बीमारी को आगे बढ़ने से रोकेंगे।
दीवार के पास सीधे खड़े हो जाएं, अपने हाथ को अपने कंधे से कुछ ऊंचाई पर दीवार पर रखें, अपने घुटने को मोड़िए, अपने टखने को दूसरे हाथ से पकड़िए, अपने पैर को अपने कूल्हे से मिलाएं, धीरे से एड़ी को अपने शरीर के समीप खींचिए, ध्यान दें धड़ और नीचे का हिस्सा एक सीध में होना चाहिए। इस अवस्था में 30 से 60 सेकंड तक रुकिए। सामान्य रूप से श्वास लें, एक सेट पूरा करने के लिए 5 बार यही दोहराएं। धीरे धीरे पहली स्थिति में वापस आ जाएं। फर्श पर लेट जाएं, अपनी पीठ के बल लेटें, अपनी दोनों टांगे मोड़ें, एक टांग को ऊपर उठाएं, अपनी जांग को पीछे से दोनों हाथों से पकड़ें, अपने घुटनों को अपनी छाती की तरफ खींचें, कोशिश करें टांग और शरीर के बीच 90 डिग्री का कोण हो, घुटने से नीचे की टांग को सीधा करें, पैर छत की तरफ होना चाहिए, टांग को सिर की तरफ धीरे धीरे मोड़ें जब तक आपको खिंचाव महसूस ना हो, जांग को शरीर के साथ 90 डिग्री कोण पर रखें, सामान्य रूप से श्वास लें, इसी स्थिति में 30 सेकंड तक रहें। ध्यान दें अपने हाथों को घुटनों के पीछे ना रखें और ना ही घुटनों को खींचें। एक सेट पूरा करने के लिए 5 बार यही दोहराएं। पहली स्थिति में धीरे धीरे वापस आएं और दूसरी टांग के साथ इस वर्जिश को दोहराएं। पीठ के बल लेट जाएं, टांग को मोड़िए, दूसरी टांग के नीचे तौलिए को मोड़कर रखें, तौलिया लगभग 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, अपने पैर की उंगलियों को सिर की तरफ खींचें, अपनी जांग की मांसपेशियों को कसें, टांग को सीधा करें जब तक आपका घुटना सीधा ना हो जाए। अपने घुटने को तौलिए के ऊपर रहने दें, 20 सेकंड तक ऐसे ही रोक कर रखें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। एक सेट पूरा करने के लिए 10 से 12 बार दोहराएं। अब ये सारी कसरत दूसरी तरफ की टांग में भी करें। पीठ के बल लेट जाएं, अपनी टांगों को सीधा रखें, पैरों की उंगलियों को सिर की तरफ मोड़ें, अपने घुटने को सीधा रखें जब आप पैरों को मोड़ रहे हों, टांग की ऊपर वाले हिस्से की मांसपेशियों को सिकोड़ें और कसें, अपने घुटनों के पीछे वाले हिस्से को सीधा रखें, इससे आपकी घुटनों की चपनियां ऊपर को खिंच जाएंगी। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रहें। इस दौरान मांसपेशियों को जोर से कसते जकड़ते रहें। पहली स्थिति में वापस आ जाएं। सेट पूरा करने के लिए 10 से 12 बार यही दोहराएं। ध्यान रहे अपने घुटनों को ना मोड़ें।
पीठ के बल लेट जाएं, दोनों टांगों को सीधा रखें, अपने हाथों को अपने शरीर के साथ बिस्तर पर रखें, घुटनों को सीधा रखें, अपनी जांघ की मांसपेशियों को कसें, एक टांग को 6 से 8 इंच की ऊंचाई तक उठाएं और कूल्हे को धीरे धीरे दूसरी टांग की तरफ को मोड़ें। इसको करते हुए आपकी टांग अंदर की ओर घूमेगी। साथ ही पैर की उंगलियां दूसरे पैर की तरफ झुकेंगी। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रुकें। धीरे धीरे पहली स्थिति में वापस आ जाएं। दूसरी टांग से यह कसरत दोहराएं। ध्यान दें आप अपने घुटनों को ना मोड़ें। फॉर क्वाड्रिसेप्स आप अपना नी स्ट्रेट रखो, पंजा खींचो अपना तरफ, 6 इंच उठाओ नीचे से, यस, और हिप धीरे धीरे अंदर की तरफ घुमाओ। होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर VMO, 10 सेकेंड अगर पेशेंट कर सकते तो। सारे पेशेंट हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्टी भी हो सकता है ज़्यादा पेन में। अच्छा, नीचे रखो, ठीक है। ए भी क्वाड्रिसेप्स का आइसोमेट्रिक है। हैमस्ट्रिंग का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आराम से मैट चटाई पर सीधे बैठ जाएं, अपने घुटनों को सीधा रखें और अपनी मुट्ठियों को घुटनों के नीचे रख लें। अपने पैरों की उंगलियों को सिर की तरफ मोड़ें। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रहें और घुटनों से हाथों को दबाएं। एक सेट पूरा करने के लिए 10 से 12 बार दोहराएं। पीछे को झुककर बैठें। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखें, अपने हाथों के सहारे आराम से बैठें। घुटनों को 40 डिग्री से 60 डिग्री के कोण तक मोड़ें। अपनी जांघों के पीछे वाली मांसपेशियों को जकड़ें और कसें। अपने पैरों की उंगलियों को अपने सिर की तरफ मोड़ें। साथ ही साथ अपनी एड़ियों को नीचे की तरफ जोर देकर दबाएं। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रहें। एक तरफ लेट जाएं, ऊपर वाली टांग को सीधा रखें, नीचे वाली टांग को मोड़ें। धीरे धीरे ऊपर वाली टांग को 45 डिग्री कोण तक ले जाएं, घुटने को सीधा रखें। इस स्थिति में 5 सेकंड तक रहें। मेरा नाम डॉक्टर अमरजीत है। मैं PGI चंडीगढ़ में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये घुटने का गठिया जो होता है, जिसको हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसके बारे में कुछ कसरतें सिखाने के लिए बनाया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम है, खासतौर पर 40 साल की उम्र के बाद। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये तकलीफ देह बहुत रहता है और इसमें मरीज़ को काफ़ी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और आराम आसानी से नहीं आता। और इसमें मुश्किल ये होती है कि दवाइयाँ पेशेंट खाता रहता है, कभी ठीक हो जाती है, बीमारी फिर बढ़ जाती है, और सही जानकारी का अभाव रहता है मरीजों में, तो उसकी वजह से वो पूरा इलाज ठीक से हो नहीं पाता।
तो इसमें जो कसरतें आपको सिखाई जाएंगी उसकी अहमियत ये है कि काफ़ी मरीजों में अगर ये कसरतें रेगुलरली नियम से की जाएं तो काफ़ी आराम आ सकता है और दवाई लेने की ज़रूरत कुछ हद तक कम की जा सकती है। तो ये कसरतें डॉक्टर मीनाक्षी आपको वीडियो के थ्रू वीडियो आपको दिखाकर और कुछ पैम्फलेट या किताबें या ब्रोशर दे के सिखाएंगी, तो वो अगर आप नियम से करेंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसमें ख़ास बात यह है कि जो कसरतें जैसे बताएंगी तो उसको किस दिन कैसे कैसे करना और कितनी बार करना है ये अच्छी तरह समझाया जाएगा। और ज़्यादातर ये होता है कि जैसे ओपीडी में आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो इतनी भीड़ रहती है इंडिया में हमारे अस्पतालों में कि डॉक्टरों के पास टाइम नहीं रहता। तो डॉक्टर आपको एक्सरसाइज अगर बताते भी हैं और इतनी भीड़ होती है मरीजों के कि आप ठीक तरह समझ नहीं पाते हैं, या फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ भी काफ़ी रश रहता है, तो एक्सरसाइज जब पेशेंट जाता है सीखने के बाद तो घर में उसको कई बार भूल जाता है कि क्या एक्सरसाइज करें कैसे करें, और कई बार वो गलत एक्सरसाइज भी करने लग जाते हैं। तो ऐसा हमने कई मरीजों से बात की, उनसे पूछा कि क्या एक्सरसाइज बताई गई, तो हमने देखा कि जो एक्सरसाइज उन्होंने करके दिखाई तो वो गलत थी, इससे बल्कि मरीज को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वीडियो बड़ा काम आएगा, क्योंकि ये CD जब आपको दी जाएगी तो आप घर में जाकर अगर आपके पास कंप्यूटर है लैपटॉप है उस पर देख सकते हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश न रह जाए। इसी के साथ ब्रोशर भी दिए जाएंगे, बुकलेट दी जाएंगी, तो कोई भी एक्सरसाइज के किसी भी स्टेप में किसी भी चरण में आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई शक शुबा है तो आप देखकर उसको दूर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ कि एक्सरसाइज ठीक तरह से मरीज करेगा और कोई गलती नहीं रहेगी और उसको पूरा फ़ायदा जो होना चाहिए सेहत में वो होगा। तो इस तरह की एक वीडियो से आप बल्कि डॉक्टर मीनाक्षी को या डिपार्टमेंट के और लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बताएं कि कैसा लगा आपको और कोई फ़ायदा आपको हुआ या नहीं हुआ।